बहुत अच्छी होगी, खूब खुश होगी और अच्छे से अपना ख्याल रखियोगी। गाइस अगर मैं आपसे बोलूं कि आज मैं जो क्रीम आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 5000 रुपए वाली क्रीम के रिजल्ट को भी फेल करेगी, तो क्या आप इसको मानोगे? मुझे पता था आप नहीं मानोगे, बट 100% गारंटीड चैलेंज के साथ मैं आज आपके साथ एक ऐसी क्रीम शेयर कर रही हूँ जो कि DIY है, घर पे बनाने वाले हैं, और ये क्रीम आपके कॉम्प्लेक्शन को इतना ज्यादा इवेंट कर देगी, जिस तरह की आप स्किन की चाहत रखते हैं, चाहे आपकी स्किन डल है, मुरझाई है, चेहरे पे किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, उनको खत्म करके आपकी पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम को भी 7 डेज के अंदर खत्म करने वाली है। आपके चेहरे पे किसी भी तरह के डार्क स्पॉट है या फिर आपका चेहरा बहुत ज्यादा डल है, बेजान है, चेहरे पे झाइयां हैं, झुर्रियां हैं, इन सारी प्रॉब्लम को दूर करके ये आपकी स्किन टोन को ब्राइटन और लाइटन करने वाली है। इस क्रीम को गाइस मैं पूरे 7 डेज से इस्तेमाल कर रही हूँ, 7 दिन हो चुके हैं मुझे, और 7 दिनों के अंदर इसने मेरी स्किन को ब्राइटन किया है, टाइटन किया है, हल्के फुल्के से जो दाग धब्बे थे उनको खत्म किया है, और आज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये अमेजिंग रिजल्ट देने वाली क्रीम आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसकी आप काफी दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो आई होप कि मेरी फैमिली को आज का ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिले, ये वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस DIYs मैं अपने चैनल पर अपनी फैमिली के लिए लेकर आती हूँ, जिसको यूज करके मेरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से हमें ये अपनी विटामिन सी क्रीम बनानी है और इसको यूज करने का सही तरीका क्या है। तो गाइज इस मैजिकल विटामिन सी क्रीम को बनाने के लिए बहुत ही मैजिकल और कुदरती चीज़ों का हमने इसमें इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमें सबसे पहले लेना है 2 खाली बाउल, और इसमें हम ऐड करने वाले हैं एक में 5 से 6 बादाम। आप जानती हैं, मैं जानती हूँ कि बादाम विटामिन ई से भरपूर होता है, ये हमारी स्किन को लाइट एंड ब्राइटन करता है और स्किन को एक टोन को जो है इवन करता है, यहाँ तक कि अगर आपके चेहरे पे किसी भी तरह की डलने से डार्क स्पॉट हैं ये उनको खत्म करता है। तो यहाँ पे कितने बादाम चाहिए हमें? तकरीबन चाहिए 5 से 6 बादाम। नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट जो हम ऐड करने वाले हैं 2nd बाउल में गाइज, वो हम ले रहे हैं यहाँ पे पिस्ताचू, यानी पिस्ता जो कि ग्रीन कलर का होता है, ये भी एक तरह का ड्राई फ्रूट्स है, बट ये हमारी स्किन को लाइट एंड ब्राइटन करता है। इसके अंदर एक नेचुरल ऑयल पाया जाता है गाइस, जो कि हमारे चेहरे की रंगत को भी निखारता है, चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो देता है, चेहरे की चमक को बढ़ाता है, स्किन की ड्राइनेस और रफनेस को दूर करने के लिए कमाल का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जितने बादाम लिए हैं यानी 6 बादाम लिए हैं और यहाँ पे 6 पिस्ते ही हमें लेने हैं। ठीक है, दोनों चीजों को हम बाउल में डालेंगे गाइस, तो थोड़ा सा पानी डालकर हम कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए इसको सोक करके रख देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसे पानी के अंदर सोक करके रख सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से 4 घंटे ही मैंने इन दोनों चीजों को भिगोया हुआ था गाइस। अब आप देख सकती हैं ये दोनों चीजें आपस में अच्छी तरह से पानी के अंदर भीग चुकी हैं। यहाँ पे इस पिस्ताचू का पानी हम निकाल देंगे और 2nd बाउल में जो हमारे आलमंड है उसका भी पानी हमने बाहर कर दिया है। इन आलमंड को हम छील लेंगे, इनके छिलके को हम पील ऑफ करने वाले हैं। इन सारे बादामों के छिलकों को हमने उतार दिया है गाइस। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम ऐड करने वाले हैं वो इस क्रीम को और भी ज्यादा मैजिकल बनाने वाला है। यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं अपनी विटामिन सी क्रीम, तो इसके लिए हमें चाहिए 1 ऑरेंज यानी 1 संतरा। आजकल विंटर सीजन है गाइस और इस मौसम में संतरा बाजार में खूब भर भर कर आता है। जब भी आपके घर में संतरे आए आप इनके छिलकों को स्टोर करके रख ले, सोने से भी महंगे ये छिलके हैं, क्या मैजिक करते हैं आपकी स्किन के ऊपर शायद आपको नहीं पता होगा। यहाँ पे हम फ्रेश ऑरेंज पील यूज करने वाले हैं इस मैजिकल क्रीम को बनाने के लिए, विटामिन सी क्रीम को बनाने के लिए। तो यहाँ पे पूरा 1 ऑरेंज का पील मैंने इस तरह से छील लिया है गाइस, और ये संतरे के जो छिलके हैं गाइस इनको हम मिक्सर के जार में डालेंगे, छोटे छोटे से आप टुकड़े कर ले ताकि हमें इन्हें पीसने में आसानी हो। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पिस्ते जो हमारे भीगे हुए थे वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे, और जो बादाम हमने छील के रखे हैं वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। हमें इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे हम इसमें यूज करने वाले हैं रोज वाटर, जो कि अपनी नरमियत के लिए, अपनी खासियत के लिए मशहूर है। ये हमारे चेहरे को नमी देता है, स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, स्किन को नरिश रखने के साथ ही साथ आपकी स्किन के ग्लो को, चमक को बरकरार रखता है। तो कितना रोज वाटर लेना है याद रखिएगा, आपको इसमें कम से कम 6 से 7 टीस्पून
टीस्पून यानी 6 से 7 चम्मच छोटे वाले आपको डालना है इसमें रोज वाटर। अगर आपको ये पेस्ट थोड़ा सा पीसने में ठीक लगे तो आप इसमें और रोज वाटर ऐड करेंगी, बट इसमें पानी का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो रोज वाटर की हेल्प से ही हमें इसको पीस लेना है। यहाँ पे आप देख सकती हैं गाइस कि ये हमें बहुत ही क्रीमी टेक्सचर में स्मूथ सा पेस्ट मिल गया है, बट हम इसे इसी तरह से यूज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल मार्केट लाइक कंसिस्टेंसी में क्रीम बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, स्ट्रेनर की हेल्प से इस पेस्ट को हम छानेंगे ताकि हमें एक बहुत ही क्रीमी और फाइन एक्सट्रैक्ट मिल जाए। तो यहाँ पे मैं जिस तरह से इसको छान रही हूँ आप देख सकते हैं क्रीमी एक्सट्रैक्ट कलेक्ट होता जा रहा है एक बाउल में, और बाकी का ये जो बचा हुआ है गाइस इसको आपको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि ये आपकी स्किन के ऊपर क्या मैजिक करेगा। इसको हम अभी साइड में रख देते हैं और बना लेते हैं अपनी क्रीम। तो यहाँ पे विटामिन सी क्रीम को बनाने के लिए हम एक खाली बाउल लेने वाले हैं, और फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करेंगे इस क्रीम का बेस बनाने के लिए वो है फ्रेश क्रीम यानी दूध की बलाई, जो कि बहुत थिक होती है। कंसिस्टेंसी को आप ध्यान रखिए, दूध नहीं आना चाहिए, जो उसके ऊपर की बलाई होती है वही हमें लेनी है, क्योंकि ये आपकी स्किन से झुर्रियां रिंकल्स फाइन लाइंस को दूर करती है, विंटर में आने वाली डलनेस को खत्म करती है, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन को लाइट करती है, आपके चेहरे से झुर्रियों को खत्म करती है। तकरीबन 2 चम्मच भर कर हमें फ्रेश क्रीम इसमें ऐड कर देनी है। अब हम इसमें जो हमने एक्सट्रैक्ट निकाल कर रखा हुआ है ये पूरा ही एक्सट्रैक्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। 3 से 4 चम्मच ही हमारा ये एक्सट्रैक्ट निकला हुआ है, तो पूरा एक्सट्रैक्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है गाइस। अब नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे वो है एलोवेरा जेल। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एलोवेरा जेल हमारे सूट नहीं करता है हमें, तो आप इसकी जगह कुकुम्बर का जेल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 टीस्पून भर कर इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर लिया है गाइस। अब नेक्स्ट हम इसमें जो ऐड करने वाले हैं, यहाँ पे हम यूज करेंगे स्वीट आलमंड ऑयल यानी प्योर बादाम का तेल आपको ऐड करना है इसमें, जिसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन ई होती है, आपकी स्किन के लिए बेहद मैजिकल काम करता है, आपकी स्किन को लाइटन और ब्राइटन बनाता है। और यहाँ पे आपको ना बजाज वाला आलमंड ऑयल या इस तरह का कुछ भी यूज नहीं करना है, क्योंकि आप लोग अक्सर बोलते हो कि क्या बजाज वाला आलमंड ऑयल यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल नहीं, हमें यहाँ पे प्योर स्वीट आलमंड ऑयल ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ हमदर्द का रोगन बादाम शीरी, ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे इजिली मिल जाने वाला है। अगर आप बोलोगी तो बाय लिंक भी मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो अब इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स 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 करना है गाइस, क्योंकि हमने इसमें फ्रेश क्रीम का यूज किया है, तो ये मिक्स करने में थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, तकरीबन 2 मिनट का। 2 मिनट तक आप इस तरह चलाओगी गाइस तो ये आपको क्रीमी कंसिस्टेंसी में बिल्कुल मार्केट लाइक क्रीम मिल जाने वाली है। यहाँ पे आप देख सकती हैं बिल्कुल फाइन और स्मूथ और इतनी अमेजिंग क्रीम बनकर हमारी तैयार है, जो कि हमारे स्किन के ऊपर मैजिक करने वाली है। आपके पास किसी भी तरह का ग्लास का कंटेनर है, उसके अंदर हम इस क्रीम को स्टोर कर लेंगे, और इसको स्टोर करके भर कर आप 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख सकती हैं, ये 1 हफ्ते तक आपकी खराब नहीं होगी। अब हम जान लेते हैं कि इस क्रीम को हमें किस तरह से लगाना है। लगाने के लिए सेम मेथड है कि सबसे पहले आप अपनी स्किन को वॉश कर ले। वॉश करने के बाद ये क्रीम आप डे में लगा सकती हैं, आप नाइट में लगा सकती हैं, ठीक है। मैजिकल इफेक्ट देगी ये आपकी स्किन के ऊपर, चाहे आप इसका दिन में इस्तेमाल करें या फिर आप इसका रात में इस्तेमाल करें। बहुत ही कमाल की ये क्रीम है गाइस, इसको आप सर्कुलर मोशन में अपनी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर लीजिए, अपने नेक एरिया पे लगाइए, अपने पूरे फेस के ऊपर लगाइए, ओवरनाइट इसे लगाकर छोड़ दीजिए। मॉर्निंग में आप देखेंगी जबरदस्त ग्लो आपको आपकी फेस के ऊपर नजर आएगा। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल फेस वॉश आप जो करती हैं वही कर लें, मॉर्निंग में फिर से एक बार इसको अप्लाई करें। 7 डेज तक दिन में 2 बार इस क्रीम का इस्तेमाल आप करेंगी तो पाएंगी आपकी स्किन बेहद चमकदार हो गई है, बेहद गोरी हो गई है। गोरी चिट्टी स्किन पाने वालों की जो चाहत है, जो ख्वाहिश है, वो पूरी होने वाली है इस विटामिन सी क्रीम से गाइस। बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपको इसके मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जो हमारा बचा हुआ जो मटेरियल निकला था उसका हमें क्या करना है गाइस, इसे आपको फेंकना नहीं है, इसे आप एज ए फेस पैक इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपको बेसन सूट करता है इसमें बेसन ऐड कर लें, नहीं तो आप सिर्फ इसे ऐसे ही लगाएंगी तो ये आपके चेहरे पे ना बहुत ही प्यारा सा ग्लो लेकर आएगा, शाइन लेकर आएगा, आपके रंग को निखारेगा। इसका इस्तेमाल मैं ऐसे ही कर रही हूँ, मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। पूरे फेस पे आप लगा लें और 1 घंटे तक लगाकर छोड़ दीजिए। नाइट में अगर लगा रही हैं तो उसके बाद ये विटामिन सी क्रीम लगा लें, और अगर आप डे में लगा रही हैं तो भी इसी तरह से आपको अप्लाई करना है। तो देखा गाइस आपने कितनी जबरदस्त क्रीम है ये, जो मैजिकल इफेक्ट देगी आपकी स्किन के ऊपर, भरपूर है विटामिन सी से और ऐसे कुदरती चीजों से जो कि हमें कुदरत ने खुद दी
की है गाइस, बहुत ही कमाल की इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ही मैजिकल क्रीम है, बहुत आसानी से आप बना सकती हैं इसे। जल्दी से बनाइए, मैं कहती हूँ आज ही आप बनाइए और आज ही से ट्राई कीजिए। और प्लीज 7 डेज के बाद कॉमेंट बॉक्स में इसके रिजल्ट मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो जल्दी से ट्राई कीजिए इस क्रीम को। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा विद बेल आइकन, क्योंकि किसी तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर अपनी फैमिली के लिए लेकर आती हूँ, जिसको यूज करके मेरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश है गाइस। और जहाँ पे आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मेरे वीडियोस के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जबरदस्त कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।